हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अज का जो व्लॉग है ये बनाया तो कुछ होर सी, बन कुछ हो ही गया, बट मैंने इदा सी यार शूट किया हुआ सारा बहुत बहुत स्पॉयल हो गया। पता नहीं सी कि मतलब करन से कुछ लगे सके, बट एंड तक सारा स्पॉयल हो गया। सो आई वॉन्ट तुसी सारा व्लॉग देखो एंड कमेंट करके जरूर दस्यो। जो टाइम वेस्ट होया तो प्लीज़ माफ कर दियो, ठीक है। कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप वाचिंग, थैंक यू सो मच। ओ की बन रहा है आज किचन च? सो बेबी यार इन्हें कैप्सिकम दे अनियंस तो मिक्स कर देते। अच्छा मिक्स करने सीगे, ओके सेम वो सेम अपन चिप करते रहते हैं ना। ओके सो रिबर, व्हाट डू यू हैव? पॉप। ओके आई विल नॉट इंटरफेयर इन द किचन। ओके ओके सो आज मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बिकॉज आज साढ़े शेफ ने मिस्टर वंश सैनी, गोमजी सैनी, जो कि बिल्कुल ही अनट्रेंड शेफ है, बट लास्ट टाइम मैंने पाव भाजी बनाई सी, बहुत स्वाद बनी सी। मैं उसका कोई ब्लॉगिंग नहीं की। इनू इदा का चाइनीज़ फूड बनाना इनू पसंद है, लाइक मंचूरियन नूडल्स, है ना। पाव भाजी चाइनीज़ तो नहीं आती, स्ट्रीट फूड तो है, बट कि कंट्री का है? कैप्सिकम कटी है, ऑनियंस कटे है, कैबेज कटी है, ते होर की कटे है? होर हजे की कटा ना, लसन कट रहा है, ओके कटूंगा, अब पेस्ट बना लूंगा छोटी जी। ओके देन कुछ नहीं, इन्हें सब नू करूंगा, थोड़ा वार्म करूंगा ऑयल दे विच। ओके चलो ओ ता हुन जदों असीं बनावांगे फिर उदों सारा प्रोसेस देख लांगे ना की हैगा उहदा। सो मैं भी सीख लूंगी तू किद्दां बनाना मंचूरियन, बिकॉज मैं मंचूरियन कदे नहीं बनाया। सो जी मंचूरियन होने वाला है रेडी। ए आ गए साडे शेफ साहब, शेफ साहब। सो ए बन रहे ने मंचूरियन बॉल्स। की पाया शेफ साहब इहदे विच? पत्ता गोभी, पता गोभी नहीं उन्हों कैबेज कहते हैं। कैबेज कहते हैं। सॉरी मैं ही दस रहा हूँ उन्हों कैबेज कहते हैं। ठीक है। कैप्सिकम, कैरेट, एंड देन प्याज, दैट्स इट। ग्रीन अनियन। ओके। या। इट्स नॉट ओ स्प्रिंग अनियंस कहते हैं उन्होंने। ओके स्प्रिंग अनियंस, ग्रीन अनियंस। हाँ। ओके अनकुक्ड अनियंस। हाँ। इमैच्योर अनियंस। ठीक है। या। ठीक है फिर ठीक है। उस तो बाद अपना सोया सॉस भी पाई है। सोया सॉस पाई है। एंड दैट कॉर्नफ्लावर। स्वाद के अनुसार पता नहीं की विनेगर की नहीं पाना सी, पता नहीं की कर दिता इन्होंने आ बनाती ग्रेवी जो कि गलत मुलत बनाती, बाद हुण सारी सुटन लई रेडी कीती आ। एवली सुट के फिर हुण नवे सिरे हुण सारा कुछ कटदा पिया दुबारा तो नवे नवे ताही मैं क्यों गया सी अनट्रेन शेफ। अनट्रेन शेफ का मतलब यही सीगा कि इहनू कुछ नहीं आंदा, हवा ही हवा आ बस। देखदे आ बाकी आ मंचूरियन जो रेडी किते ने, देखो कदों तक बनणगे। ऑलरेडी दोपहर दी रेडी हो रहे आ इह, मैं घरे नहीं सीगा। हाँ तो शाम पै गई आ, शाम की भी रात ही पै गई आ। अज तो मैनू मिलने यह अगर मिलने वैसे मैंने पॉसीबल लग नहीं रहे कि अज मिलेंगे, बाकी देखते हैं चलो बन जाएंगे कि नहीं। गाइज राती मैं तो सो गई सी, है ना, बिकॉज मैं रिबब नू सुला रही सी। तो ऑलरेडी लास्ट थ्री डेज तो मैं काम पर सी, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड सी, बिकॉज असी बाहर कुछ शॉपिंग वगैरह भी करके आए थे, बहुत ज़्यादा चलना भी पिया, तो मैं तो वापस आके सो गई सी कुछ मंचूरियन के बोल्स खा के, है ना। तो मैनू सीगा मेरा ब्रदर रात में बना के रख दूंगा, मैं सवेरे उठ के खा लूँगी, या वट एवर जो इन बिटवीन अगर रात में कित उठना पाया तो मैं रात में उठ के खा लूँगी, है ना। बट मैं जो सवेरे उठ के मैंने पता लगा इन्हें मेरे फोन के वीडियो शूट की हुई सी कि ये को मंचूरियन बने ही नहीं। क्या बोलूँ यार, मैं क्या शेफ बनेगा, मैं सारा ब्लॉग शूट किया, मैं यार ब्लॉग हूँ मैं शूट किया हो, मैं सारा रिवील करूँगी कि तू कि शेफ है सीरीयसली।
एंड वट ही मेड ए मंचूरियन दे बॉल्स फ्रिज च रख के भज गया। हुण यूनिवर्सिटी चला गया होया, अज उहदी ट्यूजडे वेंसडे उहदी यूनिवर्सिटी हुंदी है। तां जो मैं सवेरे उठ के देखा मैनूं गुस्सा तां बहुत आ रहा सीगा, और दो वारी इस बंदे ने तड़का खराब किया, दो वारी मैं सोचना आप ही बना लैंदी। मैं ट्रस्ट किया लास्ट टाइम, चलो पाओ भाजी बनाई है हूँ भी अच्छा बना लूगा है ना, बट चलो एनी हाउ हूँ मैं सोच रही हाँ कि मैं खुद ही इनू बनावा, और मेरा बट हूँ मैं देख के ना मन भी नहीं कर रहा बनाने का। किद्दा दे ब्लॉगर बनाएंगे यार असी, मंचूरियन बनाते बनाते मंचूरियन ही नहीं बने। चलो गाइज मैं थोड़ा नैक्सट ब्लॉग च मिलती हाँ। आई नो थोड़ा ये मतलब बहुत खराब हो गया, बट मैं एंड करना सी ब्लॉग का, सो आई वॉन्ट टू गिव यू द रियलिटी कि यह कुछ होया। आई थिंक उहदे कोलो कुछ जिहड़ा एरोवुड का पाउडर लेके आया सीगा, कुछ एक्सपायर सी या कुछ सी, आई डोंट नो की होया। दो वारी उन्हें ट्राई किया, पहले किसी चीज़ ना फिर उस तो बाद किसी चीज़ ना, बट आई डोंट नो की प्रॉब्लम आई। मैनू खुद हेल्प करनी चाहिए सी, बट आई ट्रस्ट हिम, बट इट्स ओके, ही इज़ जस्ट अ किड। सो हले 18-19 साल का सीख रहा चीज़ा, सो इट्स फाइन। सो गाइज तुसी देखिया सारी वीडियो दे विच असी करन कुछ चले सी, बट खो कुछ गया, बट असी एक्चुअल खाना तो असं अच्छा बनाने, मतलब मैं अच्छा बनाने खाना, बट मैं कदे चाइनीज़ फूड इन्ना ट्राई नहीं किया। एंड आई एम रियली सॉरी, जेडे लास्ट तक वीडियो देखने लिए आए उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू। मैं अपने वालों कोशिश की थी कि एक अडेन लाइफ एंड कुछ इदा का ब्लॉगिंग कर सकता, बट पहली ही ब्लॉगिंग मतलब स्पॉयल होगी, बट दैट इज़ कंप्लीटली फाइन। आई नो तुसी ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ में बहुत लाइक प्यार करते हो, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट। एंड मैं लास्ट में वो वीडियो शेयर की है तू जी ने, मैं सो गई सी इन्हें रात में वीडियो शूट की थी कि नहीं बनिया या कुछ खराब हो गया वट एवर, तो मैं वो लास्ट में वीडियो शेयर कर रही हाँ। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी यार वीडियो लास्ट तक देखी है, एंड मैं थोड़ा टाइम वेस्ट किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट नैक्सट टाइम कि मैं कुछ अच्छा बना के, कुछ सिर्फ खाना नहीं, कुछ अच्छे ब्लॉग्स होर लेके आ सकता। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, keep watching, and thank you so much इन्ना प्यार देने लिए, thank you। So guys here the problem, like gravy आपको देखने में पता चल ही रहा होगा, मैंने इसमें अरारोट ऐड किया जो कि बोल रहा बट वो ख़राब है, मैंने उसकी एक्सपायरी चेक की है और वो जैसे मैंने इसमें डाला ग्रेवी थिक हो गई जैसे पहले हुई थी, लाइक मेरे को लगा विनेगर के कारण है, बट दैट्स बिकॉज मैंने अरारोट ही ख़राब लिखे आया हूँ, मैंने पहले चेक नहीं करा था पर अब चेक करा है, अब मैंने मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने का, एंड इट्स ऑलरेडी लेट, सो मैं अभी मेरे पास जो मंचूरियन पड़े हैं मैं वो खाऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई हैव सम स्टफिंग लेफ्ट, सो ये मैं बाद में कभी ट्राई करूंगा, होप सो आई विल डू इट ही। सो मंचूरियन तो नहीं बन पाए बट हाँ किचन बहुत गंदा हो गया, एंड दीदी भी सो गए हैं, सो अभी मैं भी जा रहा हूँ इसको बंद करके।